बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियोज में सप्तम अध्याय सप्तम पाठ का जो शीर्षक है अंधा गृद्ध राजा, उसका कुछ अंश पढ़ा था। शेष अंश को अब हम लोग उसके अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अब हम लोग इसका अर्थ जाने। गृद्धो ब्रूते, गिद्ध बोला, किमर्थम आगतो असि, क्यों आए हो। सह अवदत, वह बिलाड़ बोला, अहम अत्र गंगा तीरे नित्यम स्नायी निरामिषासी ब्रह्मचारी चांद्रायन व्रतम आचरण चेष्टामि। मैं यहाँ गंगा के किनारे नित्य स्नान कर निरामिष नॉन भेज भोजन करने वाला ब्रह्मचारी और चांद्रायन व्रत का आचरण करने वाला रहकर यहाँ रहता हूँ। योजम धर्म ज्ञान रता विश्वास भूमयः इति पक्षिणा सर्वे सर्वदा मम अग्रे प्रस्तुवन्ति। आप धर्म ज्ञान में रत हैं, ऐसा विश्वास पक्षियों ने हमेशा, सभी पक्षियों ने हमेशा मेरे आगे प्रस्तुत किया है। भवद्भ्यो विद्यावयो वृद्धेभ्यो धर्मं श्रोतुं यागतः। आप जैसे विद्वान वृद्ध और धर्म के जानकार से धर्म सुनने के लिए यहाँ आया हूँ। भवन चो एतादवशा धर्मज्ञ यत माम अतिथि महंतुम उद्यता। और आप तो इस प्रकार के धर्मज्ञ हैं कि मुझ जैसे अतिथि को मारने के लिए तैयार हैं। गृद्धो अवदत, गिद्ध बोला, मार्जारस्य मांसे रुचि भवति, बिलार की मांस में रुचि होती है। पक्षिणा सावकश्च अत्र निवसन्ति, यहाँ पक्षियों के बच्चे रहते हैं। तेनाहम एव कथयामि, इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ। चक्षुत्वा मार्जारो भूमिम अस्पृष्ट्वा कर्णो अस्पृशति, उसे सुनकर बिलार जमीन स्पर्श कर कान स्पर्श करता है और बोलता है, मया धर्मशास्त्रम श्रुत्वा वीतरागेन इदं दुष्करं व्रतं चांद्रायन मध्यवसितम्। मेरे द्वारा धर्मशास्त्र सुनकर वीतराग यानी विराग से यह दुष्कर व्रत चांद्रायन मध्य भाग में स्थित है। परस्परम विवद मानानम अपि धर्मशास्त्राणाम अहिंसा परमो धर्मः इति अत्रैक अमत्यम्। परस्पर एक दूसरे के विरोधी या विवादपूर्ण होने पर भी कभी सभी धर्मशास्त्रों के अहिंसा परम धर्म है, यह इस मत पर एकता है। वार्तांते सह मार्जारः वृक्षस्य अधो कोटरे अस्थितः। वार्ता के अंत में वह बिलार वृक्ष के नीचे के कोटर में रहने लगा। सह मार्जारः प्रतिदिनम एकम पक्षी सावकम क्रमेण खादति स्म। वह बिलार प्रतिदिन एक पक्षी के बच्चे को क्रम से खाता था। येषाम अपत्यानि खादितानि, जिसके बच्चे खाए जाते थे, तय शोकार्ते बिलद भी इततः जिज्ञासाम समारब्धा। वे शोक से विलाप करते हुए इधर उधर जिज्ञासा यानी खोज प्रारंभ किए। तत्परिज्ञाय मार्जारः सावकान् खादित्वा बहि पलायितः। इसे जानकर बिलार बच्चों को खाकर बाहर भाग गया। तत्पश्चात पक्षी भी इततः निरूपयद भी तत्र तरुकोटरे सावकास्थिनी प्राप्तानि। तब यानी उसके बाद पक्षियों के द्वारा इधर उधर निरूपण करते हुए, खोज करते हुए, वहाँ
पेड़ के कोटर में बच्चों की हड्डियां प्राप्त किए। अनेनैव जरदगमेन अस्माकं सावका खादिता, इस जरदगम के द्वारा ही हमारे बच्चे खाए गए। इति सर्व पक्षी भी निश्चित्य विगृद्धो व्यापादितः, ऐसा सभी पक्षियों के द्वारा निश्चित कर गृद्ध को मार दिया गया। यथोक्तम, जैसा कि कहा गया है, अज्ञात कुलशीलस्य वासुदेयो न कस्यचित्। किस अज्ञात कुल और शील वाले को किसी को वास नहीं देना चाहिए, घर में रहने नहीं देना चाहिए। जैसे मार्जारस्य ही दोष है ना हतो गृद्धो जरदगव, जैसे बिलार के दोष से ही जरदगव गृद्ध मारा गया। इस प्रकार यह कहानी समाप्त हो गई। अब आप लोग इसका अर्थ लिखकर अपने अपने वीडियोज बनाकर यहाँ पर व्हाट्सएप पर भेज देंगे। धन्यवाद।